ओम शांति। आज यहाँ आपको एक बहुत ही गुह्य बात सुना रहे हैं, उसे हमें ध्यान से समझना है। वो है पाप और पुण्य की गहन गति। लोग पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, लोग उसको विचार नहीं करते हैं। लेकिन लोग समझते हैं कि हमने पूजा की, भक्ति की, तीर्थ यात्रा की, गंगा स्नान किया, या तो कोई स्कूल बनाई, हॉस्पिटल खुले, तो हमने ये पुण्य काम किया। लेकिन भगवान जो यहां समझाते हैं वो बहुत ही एक लॉजिक सिद्धांत से हैं, उसे हमें समझना है। लेकिन एक उदाहरण से आप समझ जाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूं। मुंबई शहर में झोपड़पट्टी में रहने वाली एक औरत, जिसका पति 2 साल में गुजर जाता है, छोटा एक बच्चा उनके साथ में होता है। अब वो मजदूरी करके जीते हैं, छोटा बच्चा को साथ में लेकर मजदूरी करने के लिए जाते हैं। तो एक दिन शाम को मजदूरी से लौटते समय रोड पर एक गुब्बारा का दुकान देखकर वो छोटा बच्चा उस पर दौड़ पड़ते हैं, और उसको बचाने के लिए उस औरत ने उसके पीछे भागती है। और जैसे ही भागते हैं अचानक एक कार आकर ठोक देते हैं, और वो औरत वहां डेथ हो जाते हैं, शरीर छोड़ देते हैं। शरीर छोड़ने के बाद वो छोटा बच्चा बिल्कुल अकेला हो जाता है, बहुत दुखी होते, बहुत रोता है। तो वो झोपड़ी में जाता है, 2 दिन तक वो खाना नहीं खाता है, क्योंकि खाना बनाने वाले, खिलाने वाले कोई नहीं होता है। तो दुखी होकर 2 दिन तक बीतता है, और उसके बाद वो जैसे तैसे खाना बना के तैयार करके खाना सीखता है। लेकिन एक ही सप्ताह के बाद बाजू में एक झोपड़ी थी, उसको मार पीट के झोपड़ी से निकाल देते हैं, और उस झोपड़ी को वो अपना हब कर लेता है, दखल कर लेता है। और फिर उनके पास अब रहने के लिए झोपड़ी भी नहीं बचती है। अब ये रोड पर जीता है, जैसे तैसे मिलता है, जैसे तैसे खाता है। फिर उसने एक चाय की दुकान में उसने काम करना शुरू किया, और चाय की दुकान का जो मालिक थे वो भी इतना गुस्से लो, छोटी मोटी बात पर उसको खूब पिटाई करते थे, और बचा हुआ जो बासी खाना उनको देते थे। और फिर भी वो जैसे तैसे मजबूरी से जिंदगी बिताई। कुछ दिन के बाद थोड़ा पैसा जमा करके फिर उसने एक अलग से वो ठेले में चाय की दुकान लगाई। लेकिन उसका जो संस्कार है, चिड़चिड़ापन का संस्कार होने के कारण उसकी दुकान में लोग भी कम आते हैं, काम कमाई भी कम होती है। फिर उसने एक जैसे तैसे एक झोपड़ी भी बनाई, एक दूसरे एक झोपड़ी से एक लड़की से शादी भी की। लेकिन जिस लड़की से शादी हुई वो लड़की भी ऐसी थी बहुत गुस्से लो, छोटी मोटी बात पर रोज झगड़ा करती है। अब उसको कमाई भी नहीं होती उतनी, अब रोज जब आते हैं रोज ही वो लड़ाई करते हैं, झगड़ा करते हैं। कोई ना कोई आवश्यकता पूरी ना होने के कारण वो रोज झगड़ा करते हैं। अब ये झोपड़ी में भी उनको कोई सुख नहीं भासता है। धीरे धीरे वो शराब पीना सीखता है। एक दिन क्या हुआ, 5 बड़े बड़े डाकू उनके दुकान में आते हैं और उनसे चाय पीते हैं। चाय पीकर ऐसे ही जब चलने लगा तो उसने पैसा मांग की, और जैसे उसने पैसा मांगा और पांचों ने मिलकर उनको ऐसे पिटाई की जो वो बिल्कुल बेहोश हो गया। और आधी रात में जब उसको होश आता है, होश आने के बाद देखते हैं वो चाय के ठेले गाड़ी और चाय के जो सामान है सब कुछ इधर उधर बिखरे हुए हैं, कुछ भी उनके पास बचता नहीं है। दुख में दर्द में जैसे तैसे अपने झोपड़ी पर लौटते हैं। लेकिन इतने रात में झोपड़ी में लौटने के बाद उसकी स्त्री भी इतने गुस्से में उसको खूब मारते हैं, फिर झोपड़ी से उनको बाहर निकाल देते हैं। और बाहर जाने के बाद वो आसमान की ओर देखते हैं और भगवान से बातें करते हैं कि हे भगवान, और कहाँ तक हमें दुख देंगे, और हमें सहा नहीं जाता है। तो ऐसे दुख में पुकार करते करते उसने जैसे बेहोशी में नींद में चले गए, नींद में स्वप्न में चले गए। स्वप्न में उनको आवाज मिलता है कि बच्चे जागो। जैसे आवाज सुनते हैं, आंख खोलते हैं,
प्रकाश ही प्रकाश देखते हैं लेकिन कोई दिखाई नहीं देते हैं। तो वो आवाज देते हैं, कौन है आप? तो वहां से आवाज आता है कि मैं तुम्हारा पिता हूं। तो उसने गुस्से से आवाज देता है कि बचपन से मेरा पिता नहीं है तो आप कौन सा पिता हो? तो वहां से आवाज मिलता है कि वो बचपन से जो तुम्हारा पिता नहीं है वो तुम्हारा शरीर का पिता नहीं है, लेकिन मैं तुम सभी आत्माओं का मैं पिता हूं, परमात्मा हूं। जैसे ही वो सुनते हैं गुस्से में बोलता है कि आप भगवान हो, आप परमात्मा भगवान हो, आपने ही मुझे इतना दुख दिया। तो भगवान कहता है कि मैंने किसी को ना दुख देता हूं ना मैं किसी को सुख देता हूं। तो वो कहता है तो किसने मुझे इतना दुख दिया? तो भगवान कहता है ये तुम सभी आत्माओं का कर्म का फल है। तो वो कहते हैं कि मैंने तो इस जन्म में ऐसा कुछ किया ही नहीं, किसी को भी हमने इतना दुख दिया नहीं। तो भगवान कहता है कि ये जो तुम इस जन्म को देखते हो ये इस जन्म का कर्म का फल नहीं है, ये तुम्हारा पिछले जन्म का कर्म का फल है। तो उसको ये भी पता नहीं होता है कि पिछला जन्म क्या होता है, कि पिछले जन्म भी होता है क्या। तो भगवान उनको ज्ञान देता है कि वास्तव में तुम ये शरीर नहीं हो, तुम ये शरीर को चलाने वाले आत्मा हो। तुमने पिछले शरीर में जो कुछ काम किया था वो आत्मा का ही उस कर्म का फल इस जन्म में पा रहे हो। तो गुस्से में ही वो जवाब देते हैं कि मुझे कैसे पता चलेगा मैं पिछले जन्म में किया क्या। तो भगवान कहते हैं चलो मैं तुमको दिखाता हूं। तो उसको लेकर एक बहुत बड़ा राजमहल में उसको ले जाते हैं। राजमहल को देखकर उस चकित हो जाते हैं क्योंकि आज तक उसने झोपड़ी में गंदगी में रोड पर ही जिया, लेकिन वो देखकर ये सोचने लगा कि ये मैं कहां आ गया। तो उनको लेकर एक कमरे में जाते हैं जहां जोर जोर से आवाज हो रही है, बचाओ रहम करो। तो वहां जाकर देखते हैं 5 सेनाओं को रस्सी से बांधकर राजा ने एक चाबुक से खूब पिटाई कर रहे हैं। तो ये देखकर वो कहते हैं भगवान को, भगवान ये कौन है, क्यों इनको मार रहे हैं? तो भगवान समझाते हैं ये जो सेनाएं हैं इन्होंने राजा के अत्याचारों के खिलाफ ने उन्होंने आवाज उठाई थी, इसलिए राजा ने उनको पिटाई कर रहे हैं। तो वो कहते हैं तो इनसे हमारा क्या मतलब है? तो भगवान कहते हैं कौन है ये 5 लोग जानते हो? तो वो कहते कौन है? तो भगवान कहते हैं ये 5 लोग वो हैं जो तुमसे चाय पीकर फिर तुमको जो पिटाई की ठेला गाड़ी से फेंक दिया, ये 5 लोग वो हैं। तो वो कहते हैं तो ये बिल्कुल ठीक किया क्योंकि इन्होंने मुझे इतना मारा, मुझे बेहोश कर दिया, इन्हों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। फिर भगवान उनको कहते हैं कि देखते चलो समझते चलो। फिर उनको लेकर आगे दूसरे कमरे में जाता है। तो वहां जाकर देखता है कि राजा बैठा हुआ होता है, एक नौकर चाय के ट्रे लेकर आता है और डर के मारे में चाय के ग्लास नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो चाय के ग्लास नीचे गिरता है राजा ने उसको खूब पिटाई की, लेकिन उसकी पिटाई को देखकर वो कहता है हे भगवान उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, एक छोटी सी बात पर इतना पिटाई करते हैं, इतना नहीं मारना चाहिए, क्यों मार रहे इतना? तो भगवान कहता है जानते हो ये कौन है? कहते कौन है? कहते हैं ये नौकर वो है जिस चाय की दुकान में तुमने काम किया था, वो चाय के दुकान के वो मालिक है। ये सुनते ही वो कहते हैं इनके साथ बिल्कुल ही ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल राइट किया क्योंकि उसने मुझे भी बहुत मारा, बहुत दुख दिया। तो भगवान कहते हैं समझते चलो। तो उनको लेकर एक तीसरे कमरे में जाता है। वहां जाकर देखते हैं एक अंधेरे कमरे में एक बंदी बैठा हुआ होता है। उनको देखकर ये कहता है भगवान ये कौन है? तो भगवान समझाते हैं इसने राजा के शोषण पर आवाज उठाया था, इसकी सजा में राजा ने उसको बंदी बना के डाल दिया और उसकी प्रॉपर्टी भी हप कर लिया। तो उसने कहते हैं कि इससे मेरा क्या मतलब है? तो भगवान कहते हैं ये वो है जिसने तुम्हारी झोपड़ी को हप कर लिया था,
तुमको मार पीट के जो झोपड़ी से निकाल दिया था, तो उसको फिर से ये कहते हैं कि बरोबर ठीक किया, इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि इसने मुझे बेरहमी से मारकर अपनी झोपड़ी से निकाल दिया, उनके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद उनको धीरे धीरे आभास होने लगा कि ये सब जो कुछ हो रहा है वो राजा के साथ, वो मेरे साथ ही उनके साथ हिसाब है। तो उनको आभास होने लगा क्या मैं ही वो राजा था। तो भगवान को पूछता है, क्या भगवान मैं ही वो सचमुच राजा था? तो भगवान कहता है, बरोबर सही आपने को पहचाना। तो फिर वो कहता है कि भगवान ये जो मेरी स्त्री जो लड़ाई करती हैं वो कौन थे? तो भगवान उनको कहते हैं, वो राजा का भाई था, जो राजा और भाई दोनों आपस में लड़ाई करते थे, अर्थात वो राजा का भाई वो तुम्हारी स्त्री बनकर है। ये सब कुछ समझने के बाद उनको पूरा फीलिंग होता है, जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो मेरे ही कर्मों का फल है। तो ये समझने के बाद उनके पश्चाताप से, दुख से आंसू बहने लगे और अंदर से एक शक्ति की जागृति हुई, और जैसे ही आंख खोलते हैं देखते हैं सुबह हो जाते हैं, और आंखों के सामने फिर वही स्त्री आ जाती है लड़ने के लिए। लेकिन जब वो लड़ने की बात कर रही थी और ये मुस्कुरा रहा था, लेकिन उसकी मुस्कुराहट देखकर उनकी स्त्री को आश्चर्य होने लगा कि आज जब तक उसने मुस्कुराई नहीं, ये मुस्कुराहट का राज क्या है? तो उनकी स्त्री को भी ये स्वप्न का राज या पिछले जन्म का राज सब कुछ वो समझाते हैं, और दोनों ने अपने जीवन को परिवर्तन कर लेते हैं, अर्थात फिर से एक सुखी जीवन बिताना शुरू करते हैं। तो कहने की बात है, सिर्फ हम ये नहीं देखें कि हमने भक्ति की, पूजा पाठ की, या गंगा स्नान किया, या कोई स्कूल बनाए और हमने पुण्य का काम कर लिया, नहीं, हम अपना कर्मों को देखें, व्यवहार को देखें, हम कर्मों का हिसाब को देखें। अगर हमारा सबके साथ जो कर्मों का हिसाब है, ये दूसरे जन्म में सब कुछ अगर हमें भोगना पड़े, तो वो जन्म मेरा सुखी होंगे या दुखदायी होंगे, तभी हम समझ सकते हैं कि मेरा कर्म पाप है या पुण्य है। ओम शांति।